घड़ी शुरू की जाएगी या बोर्ड पे हमला बोर्ड पे। जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो मैं समझता हूँ एक्टिवेट टाइम से रेफरी उनको वार्म अप करता है, एक दूसरे को कोई भी अंक देना नहीं चाहता तो रेफरी का काम शुरू हो जाता है। और ये देखिए नीला बैंड कैनेडियन रेस्लर को वार्न किया गया। ये जो गोल गोल हाथ मिलाया जाता है एक हाथ, यानी कि आप सचेत हो जाओ और दोनों हाथ अगर रोटेशन में घुमा दिया यानी एक्टिवेट टाइम। बिल्कुल, गोल गोल हाथ घुमाना मतलब कृपा जी की भाषा में वो एक मुश्किल का वक्त होता है पहलवान के लिए। तो पुनिया और मोर इस समय दोनों के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, एक मिनट से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। दीपक पुनिया का जहां तक सवाल है, सिल्वर उन्होंने जीता है वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप में 2019 में, और इसके साथ ही फैसिलिटी दे दी गई है। घड़ी देखिए उनके स्कोर के सामने, उनके नाम के सामने शुरू हो गई है। उल्टी गिनती चलेगी 30 से 0 तक, और जैसे ही ये गिनती पूरी होगी पुनिया के स्कोर में एक का पॉइंट जुड़ जाएगा। हाँ, पर इससे किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, दोनों ही अव्वल दर्जे के अच्छे पहलवान हैं। एक अंक पर जरूर नए जो पहलवान होते हैं उनको मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन इस स्तर पर एक अंक कोई बड़ा मायने नहीं रखता। बिल्कुल मायने नहीं रखता, क्योंकि एक दांव में आप 5 अंक ला सकते हैं। एलेक्स मूर 24 वर्षीय पहलवान दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए हैं। इससे पहले 2019 सीनियर पैन एम चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और कनाडा में एक बेहतरीन उभरते हुए पहलवानों में उनका शुमार है। यहां पर पहला पॉइंट जो पैसिविटी का एडवांटेज है वो पुनिया को मिल चुका है, और पुनिया इस समय 1-0 से आगे। और को दांव बनाना होगा, यहाँ दांव टंगड़ी फंसाने की कोशिश थी, एक बार अगर टंगड़ी सही तरीके से फंस गई तो फिर पहलवान असंतुलित हो सकता है। दीपक को भी वही कहा गया है कि आप दांव लगाने की कोशिश कीजिए, पैसे मत हो जाइए। हालांकि घड़ी अभी शुरू नहीं हुई है उनके नाम के आगे। देखो दीपक को एक वार्निंग मिल चुकी है और एक ही राउंड में दो एक्टिवेट समय नहीं दिया जा सकता, तो अगले दौर में जरूर दीपक अगर स्कोर नहीं करते हैं तो जरूर उनको, लेकिन झटपटाहट दिखी यहाँ पर। और मैं समझता हूँ जो 3 मिनट है उसमें दीपक को एक्टिवेट में डाला जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर ही तो लगा। बिल्कुल उसी की संभावना है, पहला दौर तो समाप्त हो चुका है, तो दीपक को तैयार रहना चाहिए। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने कनाडा को रिप्रेजेंट किया, 2017 जूनियर पैन एम चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, और इसके अलावा 2013 कैनेडियन पैन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मोर के नाम। लेकिन दीपक पुनिया कहीं ज्यादा डेकोरेटेड, कहीं ज्यादा बेहतरीन पहलवान मोर की तुलना में। अंतिम ये 3 मिनट बहुत अहम, एक बड़ा दांव देखने को मिलेगा आज। दीपक या मोर ये भी अहम है, क्योंकि अब तक सिर्फ ये देखिए मिल गया मौका, मिल गया दीपक पुनिया के दांव के, और ये अब उन्होंने गटरेंज लगाने का प्रयास किया है। क्या गटरेंज लगा पाएंगे, पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से डिफेंस में है मोर, लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा लंबी हो गई, इसलिए रेफरी ने कहा कि आप लोग रिंग के बैट के बीचों बीच आइए और यहाँ अपनी किस्मत आजमाइए। बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक दीपक पुनिया ने दूसरे चक्र में शुरुआत में अटैक किया, 2 अंक टेक डाउन के लिए, और मुकाबला 3-0 में पहुंचा दिया, यानी एक्टिवेट टाइम में उनको डालने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल, अब पैसिविटी का टाइम यानी कि पैसिविटी का पॉइंट है नहीं देना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। दीपक पुनिया ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है यहाँ 3-0 से आगे भारतीय पहलवान दीपक पुनिया। और ये देखिए सर और कंधों का इस्तेमाल करते हुए एक दांव की तलाश, दांव आपको दूसरे पहलवान को पीछे धकेल कर पैरों पर जाने का मौका देता है, लेकिन दूसरा पहलवान भी अगर उसका डिफेंस तगड़ा हो तो वो पैरों को उतनी ही ताकत से पीछे ले जाता है, दांव नहीं बना पाते। सही है संजय, यहाँ पे एक अलग तरह की कुश्ती देखने को मिल रही है, जो पहलवान जीत रहा है वो ही अटैक कर रहा है और हारने वाला पहलवान डिफेंस कर रहा है, जबकि अमूमन देखा जाता है कि हारने वाला पहलवान सारे इंतहा पार कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि अगर वक्त निकल गया तो ये
उसके नाम के आगे शिकस्त भी रहेगी। जीत में तब्दील करना है तो उन्हें प्रहार करने होंगे। ये लीजिए सर से सर यानी के हैंड ऑन करने की थोड़ी सी वो वार्निंग सी है कि आप सर ऊपर करके खेलिए और यहाँ पर पकड़ बनाने की कोशिश भुजाओं पर दीपक की। दीपक का एक दांव लगा है और उस दांव में उन्होंने दो पॉइंट्स लिए हैं। टेकडाउन के दूसरे पॉइंट की तलाश है उन्हें। बहुत आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे दीपक पूनिया भी। संभवतः उन्हें इस बात का ही भय है। ये आउट ऑफ बाउंड हो गए दीपक पूनिया और यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा बोर्ड। चलिए दीपक पूनिया हालांकि अभी भी अटैकिंग है और इसीलिए अटैकिंग है क्योंकि ये इतनी बड़ी बढ़त नहीं है। एक दांव में कुश्ती की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए दीपक पूनिया चाह रहे हैं कि पक्का मजबूत डिफेंस करूं या और अंक लेकर एक बढ़त साबित करूं। बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय अगर टेक डाउन मिल जाता है मूर को तो विजेता वो घोषित किए जाएंगे क्योंकि आखिर में जिसका दांव लगता है जीत उसकी होती है। तो दीपक के सामने इस समय बहुत मुश्किल का समय है। 15 सेकंड का ये समय आसान नहीं होने वाला। ये देखिए पकड़ बनाने की कोशिश पैरों पर जाने का प्रयास लेकिन लगातार अपने पैरों को नीचे धकेलते हुए और यहाँ पर अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश की है। क्या उठा सकेंगे नहीं लगता और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा दीपक के फेवर में। दीपक ने दीपक पूनिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल अंतिम मुकाम पर अपनी जगह बना दी है। बढ़िया मुकाबला बढ़िया कुश्ती शानदार दांव हालांकि थोड़ा सा डिफेंसिव दिखाई दिए हैं दीपक पूनिया इस सेमीफाइनल मुकाबले में और अब वो फाइनल में खेलेंगे।